600 किलोमीटर पैदल भी आया। 600 किलोमीटर पैदल जी जी। 10 दिन में पैसा अच्छा जूता फट गया सर, पैदल आके छाला गया। मैसेज आया हुआ है रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन 1000 रुपया नहीं मिला। पैसा खत्म हो गया सर, जो भी थे वो किराया विराया देके। कितना किराया दिया आपने सर? 3500 रुपये किराया दिया सर, आने आने जाने। सरकार ने किराया दिया जी? नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। उम्मीद है आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, लेकिन बिहार के लोगों के बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। बिहार के उन प्रवासी मजदूरों के बारे में सोच रहे होंगे, कैसे वो घर जाएंगे, सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि रोज़ अधिकारी बयान देते हैं कि काम चल रहा है। कितना काम चल रहा है, ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं। ये लोग इस वक्त जो खड़े हैं, पहले देखिए क्या इन्हें साबुन दिया गया, क्या इन्हें कपड़ा दिया गया, क्या इन्हें खाना दिया गया। यदि खाना दिया जाता तो इस वक्त जब लगभग 40 डिग्री का तापमान है बाहर में, तो ये ऐसे एक छपरे के नीचे ऐसे झुलसते नहीं रहते। हम इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं? सर नागपुर से आए हैं। नागपुर से आए, कैसे आ गए सर? कहीं लिफ्ट मिल गया, कहीं पैदल आए सर। 600 किलोमीटर पैदल भी आए। 600 किलोमीटर पैदल जी जी। 10 दिन में पैसा अच्छा जूता फट गया सर, पैदल आके छाला गया। जूता इनका फट चुका है। पैसा था आपके पास? पैसा खत्म हो गया सर, जो भी थे वो किराया विराया देके। कितना किराया दिया आपने सर? 3500 रुपये किराया दिया सर, आने आने जाने। सरकार ने किराया दिया जी? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया सर। खाना कहाँ, क्या खाया? खाना अभी यहाँ सब्जी चावल खाया। कौन दिया? यहाँ का पब्लिक दिया। पब्लिक दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं सरकार। अच्छा, नागपुर से जब आप आए, देखिए ये नागपुर से आए, नागपुर से आए तो क्या क्या मिला खाने में? रास्ते में क्या क्या खाया? रास्ते में तो बहुत कुछ मिला उधर का। सरकार ने ही सब दिया? हाँ सब दिया सरकार ने दिया। रास्ते में सब भंडार चालू है। कौन सरकार? ट्रैक में अगर योगी सरकार दिया है उधर जो व्यवस्था दिए। और बिहार में आने के बाद? बिहार का कुछ भी नहीं। बिहार में आने के बाद कुछ नहीं मिले हैं सर। कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले हैं। पब्लिक मदद कर रही है, पब्लिक मदद किए हैं यहाँ पर आके थोड़ी सी पब्लिक मदद की। अभी आप कब से यहाँ पर आए हैं? अभी 2 घंटा हुआ है। कैसे आ गए? बस यहाँ कुछ पता नहीं कौन सा बॉर्डर है, वहाँ पर चढ़े थे, यहाँ पर ओवर ब्रिज के पास उतारा है। औरंगाबाद से हम चढ़े थे सर, औरंगाबाद से चढ़े थे पटना के लिए आए। औरंगाबाद से चले थे पटना जी। रास्ते में किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका? रोका सर, वो भी मदद किया सर। मदद किए हैं पुलिस वाले, मदद कर ये बोले हैं कि जो गाड़ी रोकेंगे तो बोल देना कि आप, ये जो है ना पुलिस वाले बोले हैं कि गाड़ी नहीं रोकने के लिए, जाने के लिए देने के लिए। देखिए पुलिस वालों ने कहा है कि गाड़ी जाने देने के लिए, गाड़ी रोकिएगा मत, क्योंकि पता नहीं इन्हें क्वारंटाइन सेंटर उन्हें भेजने का मन है या नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था है या नहीं है, ये तो खैर प्रशासन जाने। अच्छा, आप लोगों के लिए बिहार से जो लोग बाहर से लोग आए हैं, तो आप लोग के लिए सरकार ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था किया, कुछ ऐसा है क्या दिखा? हाँ, यहाँ पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन बट गांव में माना जाए तो गांव में है क्वारंटाइन सिस्टम जो। लेकिन ले जाया गया आपको? हम लोग मेरे गांव से गए हैं, मेरे गांव से दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग, अभी दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग, दिल्ली से आ रहे हैं दिल्ली से, हम लोग दिल्ली से हरियाणा गए पैदल पैदल पैदल, हरियाणा से हम लोग ट्रक पकड़े, ट्रक पकड़ने से हम लोग जो यूपी सरकार का क्या काम करते थे आप लोग, कहां पर फंसे? हम लोग बेलदारी से संगम बिहार फंसे हुए थे। संगम बिहार फंसे हुए, तो संगम बिहार से पता चलेगा हरियाणा, हरियाणा चले गए पैदल, हरियाणा पैदल जाने के बाद उसके बाद हमने फिर वहां से ट्रक पकड़ा, ट्रक पकड़ने के बाद में मतलब रास्ते में जो मिला मुझे पब्लिक पुलिस सेवा की, हम लोग का खाना खर्चा ट्रक रोक रोक खिलाया। उसके बाद जब बिहार के बॉर्डर पास किया तो उसके बाद कोई नहीं, मुझे हम लोग को पानी तारने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। आप लोग हैं बिहार के? बिहार के, पूर्णिया जिले के, कोई नहीं पूछा। हम कटिहार के हैं, पूर्णिया के, कटिहार के। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये 2 नंबर एक कौन सा गेट है, बस स्टैंड का गेट, बस स्टैंड गेट है। तो यहाँ पे बस ट्रक बोला रुका हम लोग को, तो एक गार्ड बोला यहाँ से पूर्णिया के लिए बस नहीं मिलेगा, अब क्या बोलते इधर दानापुर से आपको ट्रेन मिलेगा, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा? हम लोग दानापुर, तो हम लोग दानापुर गए, तो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है थोड़ा सा मोटा, छोटा मोटा, उसके अंदर गए तो वो बोला कि आप लोग को दानापुर से नहीं मिलेगा, आप फिलहाल चले जाओ बस स्टैंड, वहाँ से आपको मिलेगा बस पूर्णिया के लिए। हम यहाँ आए तो यहाँ पे जो पुलिस घूमता फिरता है दिया गया है रक्षा के लिए, उससे पूछे, उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ पर नहीं रुकना है, क्वारंटाइन सेंटर जाना, ये सब कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, खाने की व्यवस्था कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कहा सर, खाने की भी नहीं। तो मैं जब देखा और इग्नोर करके चला गया, वो चला गया, तब मैं यहाँ से पुलिस से पूछा, अभी बस वाले यहाँ पे, उसको बोला कि सर यहाँ पे पुलिस वालों को बताया कि आप कहाँ से हैं? हाँ बताए, ऐसे हैं या हमको जाना है वहाँ पे, बोला कि बेटा यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, अभी पुलिस ने भी कह दिया व्यवस्था नहीं है, नहीं है कोई व्यवस्था। देखिए पुलिस ने भी कह दिया व्यवस्था कुछ नहीं है, कहाँ से ये लोग आ रहे थे बताया तो इग्नोर कर दिया, हो सकता है क्वारंटाइन सेंटर में रखने की जगह ना हो, या फिर प्रशासन को ही पता ना हो कि क्या करना है इनके साथ। और भी दावे सरकार ने किए हैं। अच्छा, 1000 रुपये के बारे में? हाँ, तो अभी तक तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, नहीं मिले हैं, रजिस्ट्रेशन करा है।
मैसेज आया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन 1000 रुपया नहीं मिला। मोबाइल आपका? मोबाइल यहाँ स्विच ऑफ हो चुका है। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जी। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करा लिया था? करा लिया। कब कराया था? हो गया, हम कराए थे 22 तारीख को। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। हाँ, मतलब अभी तक सरकार का 1000 भी नहीं मिला। 1000 भी नहीं मिला। देखिए, सरकार का 1000 भी नहीं मिला इन्हें। और दावे क्या कुछ सरकार कर रही है, आप इनका पहले ये हाल देख सकते हैं कैसे बेचारे ना। इन्होंने साबुन देखिए, चप्पल टूट गया, जूता फट गया है, सब कुछ दिखा रहे हैं। 10-20 पब्लिक मिल रहे हैं बिहार बॉर्डर पे जाके, देखिए कम से कम लाखों होंगे, लाखों आदमी होंगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोले जाओ, जहाँ जाना। देखिए क्या कुछ इन्होंने दावों की गई पोल खोली है, आपने सुना है। उम्मीद है इनका जो दुख दर्द है आप देख रहे होंगे। प्रशासन को भले पता हो लेकिन पुलिस को पता नहीं होगा। और भी जो लोग हम उनसे बात करते हैं, कितने दिनों से ठीक से नहीं खाया है ना सोया है? हम लोग लगभग 15 दिन। बिहार के हैं? बिहार। कहाँ के हैं? चलते रास्ता में। उसके कहाँ के हैं? बिहार के हैं, पूर्णिया। कहाँ के? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला जी। तो अभी यहीं पर हैं। अब यहाँ से पूर्णिया कैसे जाइएगा? यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अगर साधन नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर पैदल चलेंगे। फिर पैदल चलेंगे, जैसे पैदल निकलेंगे, पैदल निकलेंगे। इनके पांव ही इनके साथ हैं। पहले कहा जाता था कि अपना हाथ जगरनाथ, लेकिन अब इनके पांव ही इनके जगरनाथ हैं। ये खुद चले जाएंगे। उम्मीद है इनका दुख दर्द यदि सत्ता में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे, सिस्टम में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। इस वक्त हम पटना के बस स्टैंड पर खड़े हैं। बस स्टैंड से महज 100 मीटर की दूरी पर ही ये यहाँ पर साइड में खड़े हैं, जहाँ पर थोड़ी सी छाँव इन्हें लग रही होगी। ना खाना खाया है, पाँव के जूते जो हैं वो भी फट चुके हैं। आप इनका हाल देख सकते होंगे, क्या साफ सफाई इनके पास है। और क्या ऐसे में इन्हें संक्रमण हो जाए, इसका खतरा नहीं है? क्या ये संक्रमित नहीं हो सकते हैं? और क्या अभी यदि इनमें से किसी एक को भगवान ना करे यदि संक्रमण होगा, तो ये जहाँ जहाँ अभी घूम रहे होंगे उन सभी जगहों को संक्रमित करेंगे, वायरस फैलाएंगे। तो ऐसे में सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। देखते हैं सिस्टम क्या करती है। दावे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, काम कितना होता है जमीनी धरातल पर वो हमने आपको दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। 600 किलोमीटर पैदल भी आया। 600 किलोमीटर पैदल? जी जी। पैसा अच्छा जूता फट गया सर, पैदल आके छाला। मैसेज आया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन 1000 रुपया नहीं मिला। पैसा खत्म हो गया सर, जो भी थे वो किराया विराया देकर। कितना किराया दिया आपने सर? 3500 रुपया किराया दिया सर, आने जाने। सरकार ने किराया दिया जी? नहीं।